Tell us, how did you start your food vlogging? How did you start your travel vlogging? How did you start your journey in this? मेरा नाम है बाबर डार और मेरे तीन चैनल हैं इस टाइम पे. जो मेन चैनल है ईट एंड डिस्कवर के नाम से. हमने मतलब बाप है जो लोग हो गोलगप्पे बना लेते हैं. गोलगप्पे जो रात के 3 बजे लोग आपकी व्लॉग देखकर गलती से चले जाते फूड पैंडर बोलते यार भूख लगी है वो आप है. आप भी देखती होंगी ना. आप भी देख के कहीं तो जाती होंगी. आप भी हमारे व्लॉग देख के कभी तो कहीं जाती होंगी. ऑफ कोर्स आई डू बट सैड थिंग इज मुझे बाहर खाना अच्छा नहीं लगता. मुझे बाहर खाई नहीं जस्ट लाइक आई कांट ईट आउटसाइड. तो घर के खाने खाती हैं? नहीं मतलब बाहर का खाना घर पर लाकर खाती हूँ. अच्छा घर पर लाएगा. हाँ. ऐसे बाहर नहीं. नहीं नहीं बाहर नहीं. वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है. मेरा एक जो चीज होता है मुझे हाथ से खाना अच्छा लगता है. जब से लाइक सबसे अजीब सी बात है कि मैं पास्ता भी हाथ से खाती हूँ. हाँ? वो नूडल्स और ये पता नहीं खावसा भी हाथ से खाती हूँ. It's a very disgusting way. Some people might say it's disgusting. लेकिन मुझे जो एक होता है ना मुझे तसल्ली मिलती है. वो बंदा हाथ से खाते हैं. बिल्कुल comfortable हो जाती है उसमें. Comfortable होना ये जो fork and knife वाली चीजें मुझसे नहीं होता. लोग बाहर भी पिज्जा भी fork and knife से खा रहे होते भाई. मैं तो खा लेता हूँ हाथ से. खा लो भाई क्या हो गया है. खैर तो आप बताइए जो शुरुआत कैसे हुई आपकी. शुरुआत हमारी हुई 2019 में. 2019 में सारे काम अपने मैं पहले एज अ बैंकर के तौर पे मैंने काम किया बहुत अरसा. लेकिन वो टाइम जो है ना टाइम मैनेजमेंट होती नहीं शुरू से ना. लोगों ने किसी मुझे अगर कोई बोल देना कि 8 बजे यहाँ पहुँचना है सुबह तो मैं नहीं पहुँच पाऊंगा. ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है शुरू से ही. टाइम में कोई मुझे कैद करने की कोशिश करे तो नहीं कैद हुआ जाता मुझसे. मैं पहले ही बोलता था मैं कह यार ये मेरे लिए नहीं है. मैं गुलाम नहीं बन सकता. गुलामी वाला काम आज भी नहीं होता पहले भी नहीं होता था. तो फिर वो जॉब फिर उसके बाद शादी वगैरह हुई 2010 में तो फिर तो गुलामी तो बनती है. बनती फिर तो दिल की गुलामी होती है ना. दिल की गुलामी तब तक होती है जब तक दिल से दिल मिला रहे. जब दिल से दिल नहीं मिलते तो फिर गुलामी खत्म हो जाती है फिर. हाँ तो आई थिंक मुझे लगता है जोड़ों का गुलाम इज अ वेरी गुड वर्ड. इट्स एक्चुअली लोगों को लगता है कि ये एक गाली है. ये गाली नहीं है. ये एक तारीफ है. क्योंकि अगर आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करोगे तो आप किसकी करोगे. अगर आप अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरी नहीं करोगे उसको सर पर नहीं बिठाओगे. एक औरत अब मुझे ये लगता है आई डोंट नो अबाउट अदर्स. हम अगर लोग बोलते हैं हम रिब से बने मर्द की वो इसलिए बने क्योंकि हमें दिल से करीब रखना चाहिए. और दिल से करीब कोई भी चीज़ होती है उसकी बहुत ही खास हिफाजत रखता है इंसान. जो मर्द है वो उनको चाहिए कि 50-50 पे करें. और ये जो आजकल की लड़कियां हैं जिन्होंने अजीब चीजें भी सेट कर दी है कि यू नो इंडिपेंडेंट होने के नाम पर बहुत मैस्कुलिन हो गई हैं. जब बात होती है सफर की तो आप हाउ ओल्ड आर यू. मैं 42. You're 42. और ये कब शुरू किया था अपने आप को डिस्कवर करना. मैं दो बताया ना आपको 2019 में स्टार्ट किया लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई. जो एक्चुअल मेरा सफर शुरू हुआ उसको 4 साल लगा लें. 38 से पहले आप बैंकिंग में थे. बैंकिंग में था फिर उसके बाद अपने कुछ कारोबार करने की कोशिश की और चीजें करने की कोशिश की. लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में तो कहीं पैसा लगा दो तो लोग इंतजार में होते हैं कि लेके कब भागे यहाँ से. तो आपने कहाँ लगाया. हमने पेपर इम्पोर्ट किया बहुत सारी चीजें की रेस्टोरेंट की हमने कोशिश की बहुत दफा तो. लेकिन कोई काम भी हम जो है ना ईमानदारी से किसी के साथ मिलकर कर नहीं पाए. जब भी पैसे लगा पैसे लेकर भाग गए. दो बार हुआ तो दो बार में सब पैसे चले गए ना. इतने पैसे थोड़ी थे. आए हाय जब कितना लॉस हुआ. मुझे 8-10 साल पहले समझ लें कि 15-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो उस टाइम तो 15-20 लाख बहुत थे. उस टाइम भी आपने अभी भी बहुत है ऐसी भी बात नहीं है. तो बस वो नुकसान हुआ तो फिर हमने मेरी इतना मैं क्राइसिस में आ गया कि मैं जो है टैक्सी चलाने लग गया. मैं लाइफ में टैक्सी चलाने लग गया. अब इतनी मुश्किलात आ गई तो मैं एक दिन जुम्मे की नमाज पढ़ रहा था. मैं यहाँ टैक्सी चला रहा था यहीं पे उबर करीम ये सब यहाँ चला रहा था मैं ना. तो मुश्किल में आ गया था तो क्योंकि बंदा कितना भी काबिल हो जब तक वो साबित नहीं करता दुनिया को तब तक कोई आपको मानता नहीं है. आप जब और यहाँ पे साबित करने का मकसद है पैसा. या क्या पैसा होता है तब दुनिया आपको मानती है. अदरवाइज कोई आपको मानता नहीं है कितना भी आप बोलो ना कि ये कोई नहीं मानता. तो मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ा था मैंने दुआ की. मैंने कहा यार अल्लाह कोई ऐसा काम दे दे जिसमें इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ मिल जाए. मैंने यार ऐसा कोई काम नहीं है ये ऐसे ही दलालत चलती रहेगी. तो फिर ये रास्ता मिला और फिर इस पर चल के
अल्लाह ने बड़ी वो दी, बड़ी कामयाबी दी। सारी दुनिया जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 10 कंट्रीज विजिट कर चुका हूं अभी तक, माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा सीखने को मिला। और आप मुझे बताएं, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डू यू हैव? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पे फेसबुक यूट्यूब सब पे मिला के तकरीबन 7-8 लाख फॉलोअर्स हैं। ओके, और यूट्यूब? यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 3-4 लाख करीब है अभी। ओके, और कितना आप अर्न करते हो यूट्यूब से? लाइक व्हाट इज द मंथली, जब आप बोलो बुरा वक्त है तो कितना आएगा? बुरा वक्त है 3-4 लाख। ओके, ये और अच्छा वक्त? अच्छा वक्त हमने 10-10 लाख से ऊपर भी अर्न किया। ओके, हां, सो कितना वीडियोस, क्योंकि नॉर्मली लोग को बड़ा पता नहीं होता यूट्यूब का, हर बंदे को यूट्यूबर बनना हो तो क्या करना है, क्यों करना है, नहीं पता होता। ऐसा ही है। तो आप मुझे बताओ कितने वीडियोस और कितने व्यूज के साथ इंसान एक मिनिमम अमाउंट बना सकता है? देखिए, पाकिस्तान में जो है ना आपके इस पे कम है, जो आपके क्लिक पर थ्रू जो रेट है ना, जो सैलरी है वो भी बहुत कम है पाकिस्तान की, मतलब इंटरनेशनली अगर आप देखो इट्स इनसेन। हम पाकिस्तानियों को, हमें पता नहीं व्हाई वी आर ऑलवेज थर्ड क्लास, यू नो, इन्होंने अजीब से हमारे कंट्री को रख दिया एक्सट्रीमली थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यस, एंड इट्स प्रीटी सैड, क्योंकि हम इतने बुरे नहीं है। अगर आप खुद देखो, मैंने ये देखा था पिछली दफा, एक ब्लॉगर था गोरा, तो वो स्कर्दू जा रहा था और उसने PIA की जो फ्लाइट थी उसमें इसने डाला हुआ था, तो वर्स्ट फ्लाइट एवर, टेकिंग अ रिस्क एंड समथिंग डेथ, और इसने पूरे की पूरी उसमें पता है क्या क्या, ओ माय गॉड आई एम टेकिंग दिस फ्लाइट, इस सारी सिर्फ खामियां निकाली, नेगेटिव इमेज, मतलब ऑल नेगेटिव। और वहां लोग, मैंने मुझे ये पता चला वहां जब ये लैंड हुआ, होटल वाले लोगों ने इनसे व्हाट डू यू कॉल रूम रेंट नहीं लिया। अच्छा, हाँ, अब आप खुद देखो, मतलब वो बंदे ने सिर्फ बुराई कर आया, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने इज्जत दी ना, इज्जत दी और ये देते, मतलब रूम रेंट बिल्कुल नहीं लिया, हर बंदे ने उसको एक भाई की तरह, यू नो, जहाँ बुरी चीज होती है हम उनकी अच्छी चीजें नहीं देखते। So, उस बंदे ने नहीं दिखाया कि रूम रेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बस बाद में बोला थैंक यू सो मच, इट इज सो नाइस एंड दिस एंड दैट एंड दिस। और फ्लाइट्स कर दो कि मेरी बहन भी गई थी, शी इज लाइक इतनी बुरी भी नहीं है, इट्स एक्चुअली रियली टफ, और जिस तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग होते हैं इट्स वेरी नाइस।